व्लॉग स्टार्ट कैसे करते हैं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निहारिका और आज की वीडियो इट इज़ द मोस्ट रैंडम वीडियो दैट आई एम डूइंग ऑन माय चैनल। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी, बट मैंने एक स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि मेरा क्लोज़ेट कितना ज़्यादा बेकार है ना, मेरी वार्डरोब कितनी कि मैं एक कपड़ा निकालूँगी तो 10 गिर जाते हैं, ऐसे वाली हालत हुई है। तो मैंने ऐसी स्टोरी डाली थी कि टाइम टू ऑर्गेनाइज इट एंड ऑल, और फिर इतने सारे तुम लोगों ने रिप्लाई किए कि उसका व्लॉग बनाना या हाउ यू ऑर्गेनाइज योर वीडियो बोल रही हूँ वार्डरोब उसकी वीडियो बनाना। तो मैंने सोचा ठीक है बना लेते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने आज ऐसे ब्रेड क्यों की हुई है, और क्योंकि गाइज मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकती कितने झड़ रहे हैं। अगर मैं बिना कंघी के भी हाथ ऐसे बालों में डालती हूँ ना तो ऐसा इतने सारे बाल निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आजकल ब्रेड बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि खुले बालों में तो और ज़्यादा निकल के आते हैं। अगर मैं बन भी बनाती हूँ, क्लचर लगाती हूँ, तो बार बार खुल के फिर बार बार बांधने पड़ते हैं। ब्रेड बना के तो मैं छोड़ देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अगर तुम्हें कोई होम रेमेडी पता है अनियन जूस के अलावा तो जल्दी से कॉमेंट्स में बता दो। ओके, स्टार्टिंग द वीडियो, सबसे पहले तो देयर इज़ अ डिस्क्लेमर। इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो बहुत ऐसा पॉश टाइप होने वाली है या बहुत ऐसा क्या बोलते हो उसको, बहुत अच्छी आपको बहुत एस्थेटिक वाइब मिलने वाली है इस वीडियो से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़की अपनी स्टोरेज जितनी मिली है उसको ज़िंदगी में अपने घर में उसमें अपने कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज करती है ये दिखने वाला है। सो आई एम सॉरी टू यू नो क्रश योर व्हाट डू यू कॉल इट, यार मेरे को इतने शब्द नहीं आते जब मैं शूट करने बैठती हूँ, तो क्रश योर ड्रीम्स एक्सपेक्टेशंस। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी वीडियो होने वाली है जिसमें मेरे पास सिर्फ एक वार्डरोब है, दूसरी में एक नीचे का कॉर्नर है और तीसरी में भी एक नीचे का कॉर्नर है जहाँ पे मैं सिर्फ अपने कपड़े रख सकती हूँ, और हमें ऑर्गेनाइज करना है वो। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वार्डरोब की हालत। सो ब्रेस योरसेल्फ गाइस, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, यू आर सो नॉट रेडी फॉर दिस। आई मीन चलो 1 2 सो दिस इज माय वार्डरोब। इसमें मुझे अब कुछ भी नहीं मिलता है, मैं कुछ भी ट्राई कर लूँ, मतलब ये मैंने ऐसे डाल रखे हैं बस कपड़े, इतनी बुरी हालत हो गई है ना इनकी कि अगर मैं एक चीज़ भी निकालती हूँ ना, अगर देखो मैं ये निकालती हूँ चार कपड़े उसके साथ गिरते हैं, ऐसी हालत हो गई है। तो आज हम इसको ठीक करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अभी टाइम हुआ है, रुको मैं तुम्हें टाइम बताती हूँ अपने फ़ोन में देखकर, अभी टाइम हुआ है 1:41 PM, वी आर स्टार्टिंग दिस नाउ एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है, मैं सब कुछ दिखाती जाती हूँ। तो अभी स्टार्टिंग में क्या था, ये जो है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैंने अपनी सारी ड्रेसेस रखी थी, ये वाला जो बीच का एरिया है, नहीं ये है ये वाला जो बीच का एरिया है यहाँ पे मैंने अपनी सारी टॉप्स रखे थे, और नीचे भी टॉप्स और थोड़े बहुत बॉटम्स, और नीचे सारी डेनिम्स रखी थी। बट यहाँ पे अब टॉप्स भी पहुँच गए हैं, यहाँ पे सारी ड्रेसेस आदि पहुँच गई हैं, नीचे स्कर्ट्स घूम रही है, टॉप घूम रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, और नीचे भी टॉप घूम रहे हैं, तो सब कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो गया। अब हम उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक शेल्फ खाली कर लेंगे बाहर, और फिर उनको अच्छे से फोल्ड वोल्ड कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हाँ रोशनी, लाइट्स ऑन करना ही भूल गई थी। ये सारे टॉप है, ठीक है, अब हम फटफट से क्या करेंगे, सारे टॉप पहले अलग अलग कर लेंगे, और वो पहले अलग अलग कर लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ कि कैसे अलग अलग की। तो
मैंने ऐसे अलग अलग बंडल्स बनाने हैं, ये सारी कैमी टॉप्स मतलब कट स्लीव्स टॉप्स है, ये सारे श्रग्स है, ये सारी टी शर्ट्स है, ये सारी टी शर्ट्स है जो अभी आधी है यहाँ पे, आधी अंदर रखी है वर्कआउट वाले सेक्शन में, ये सारे फैंसी टॉप्स है, ये नॉर्मल टॉप्स है मतलब जो मैं नॉर्मली स्लीव्स वाले जो होते हैं, ये फुल स्लीव्स टॉप्स है सारे के सारे, और ये सारी शर्ट्स है, और ये जो मेरे टॉप्स के सेक्शन में ड्रेसेस या स्कर्ट्स वगैरह भरी हुई थी वो सब अलग कर दिया मैंने। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी से इनको फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद इनको एक कॉर्नर कर देंगे, फिर सारी ड्रेसेस निकालेंगे और उनके साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। सो करेंगे, पहले नॉर्मली फोल्ड कर लेंगे शर्ट को और फिर उसके बाद उसका ऐसे रोल रोल बनाकर और रख लेंगे। तो इससे क्या होता है कि कम स्पेस लेती है चीजें, स्पेशली शर्ट्स, क्योंकि शर्ट्स थोड़ी वो होती है ना, तो इससे और कचड़ा कर दो। मैं ज्यादातर अपने कपड़े ऐसे ही फोल्ड करके रखती हूँ तो उससे कम स्पेस लेते हैं कपड़े। सिंपल है, पता नहीं क्या चलाया था तूने, मेरे को लगा मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, फोन पे बात कर रहा था किसी से। नहीं कर रहा था वो एक इंस्टाग्राम पे ऊपर हो गया। गाइस क्या क्या देखते रहते हो, ये ना लाइट थी, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो जाती है, ये भाई के फोन से कनेक्ट हो गया, भाई इंस्टाग्राम पे रील देख रहा, पता नहीं कौन सी रील, हम डर गए फोन से कनेक्ट होने लग गया। ये देखो हमने इतने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, सिर्फ ऊपर वाले पाइल बचे हैं, बट उससे पहले है हमारा लंच टाइम। भिंडी बनी है और मैंने साथ में थोड़ा सा आमरस लिया है। कमेंट डाउन बिलो इफ यू आर आल्सो अ आमरस फैन। मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे सारे कपड़े हमने ऑर्गेनाइज कर लिए हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, अब हम इनको लगाना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, जैसे शर्ट्स या श्रग्स या फुल स्लीव्स वाले टॉप्स, वो हम एक कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करेंगे, और जितने भी कैमी टॉप्स या फिर छोटे छोटे वाले टॉप्स होते हैं वो हम एक कॉर्नर में लगाएंगे, ताकि हमें पता रहे कि मतलब एकदम अलग अलग रखे हैं, ठीक है, वरना जो बड़े कपड़े होते हैं उनके बीच में छोटे कपड़े छुप जाएंगे। सो सारी ड्रेसेस कैटेगरी वाइज लगा दिए, दीज आर ऑल दी कैजुअल ड्रेसेस, ये सारी बीच टाइप की ड्रेसेस है, ये थोड़ी सी फैंसी मतलब इफ देर इज ए इवेंट और समथिंग तो मैं ये पहन सकती हूँ, दीज आर ऑल दी जंप सूट्स, दीज आर ऑल दी शर्ट ड्रेसेस एंड टी शर्ट ड्रेसेस, एंड दीज आर ऑल दी बॉडीकॉन ड्रेसेस, और ये दोनों सारे मैक्सी ड्रेसेस है, और यहाँ पे सारी शॉर्ट स्कर्ट्स है, ये मीडियम लेंथ स्कर्ट्स है लाइक नी लेंथ और थोड़ा सा उससे नीचे, और ये थोड़ा सा एथनिक टच में सारी
स्कर्ट्स है, तो अब हम जल्दी से इन सबको लगा देते हैं। ओके, फाइनली हो गया सब कुछ। सिर्फ ये जो पीछे आपको मैस दिख रहा है, ये वाले कपड़े मैंने थ्रिफ्ट के लिए निकाले हैं, तो मुझे बस अब ये फिगर आउट करना है कि मुझे ये कपड़े रखने कहाँ हैं एक्चुअल में, क्योंकि अगर मैं वापस अपने वार्डरोब में डाल दूँगी तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और अब 5 बज गए गाइस, हमने कब शुरू करा था, आई थिंक 1:30 बजे शुरू करा था। मैं थक चुकी हूँ पूरी तरह, मैंने सिर्फ बीच में खाना खाया था, अदरवाइज मैं लगातार मैंने ये काम किया है। तो अब समय आ गया है कि मैं आपको दिखाऊं कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। लेट्स गो गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड। इतना प्यारी लगती है ना, मतलब ये वार्डरोब इतनी प्यारी लगती है ना जब एकदम नया नया ऐसे लगाओ, और ये सिर्फ 1 हफ्ते की भी नहीं है, फिर वापस वैसे हो जाएगी। तो आर यू रेडी? तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसे ही है, मैंने बल्कि ऊपर और भी थोड़े से कपड़े भर दिए है। लेट्स गो, सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, लुक एट दैट, कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डेनिम रखी है, ये वाली सब डेली यूज़ की है, ये सारी कलरफुल है, और ये जो थोड़ी बहुत मतलब रिप्ड है या फिर ऐसा जो मैं बाहर पहनकर जा सकती हूँ, ये सारे टॉप है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी टॉप है, ये थोड़े फैंसी टाइप टॉप है जो मैं शूट के लिए यूज़ कर सकती हूँ, और वो जो ऊपर नहीं आए थोड़े से बच्चे वहाँ पे, और ये मैंने स्पेस खाली छोड़ा है क्योंकि मुझे पता है और टॉप होंगे जो लॉन्ड्री या फिर इधर उधर पड़े होंगे, तो वो मुझे यहाँ रखने पड़ेंगे। नीचे सारे बॉटम्स है, ये सारे मतलब ट्राउजर्स वगैरह ये सब है, ये छोटी वाली लाइक शॉर्ट स्कर्ट्स है, और ये लॉन्ग स्कर्ट और मीडियम वाली स्कर्ट्स का सब ऐसा मिक्सर सा है। और मैंने ड्रेसेस रखी है यहाँ पे, मैंने इस वाले पोर्शन को पूरा खाली करके सारी ड्रेसेस यहाँ पे रख दी है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। सो यस, दैट्स अबाउट इट। और ये सारे कपड़े जितने भी है ये मैंने थ्रिफ्ट से निकाले, सो वो देखते हैं हम। मैं मोस्टली 1-2 दिन में पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी अपने थ्रिफ्ट स्टोर पे, सो गो एंड फॉलो मी देयर। एंड यस, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इट वॉज टफ, मतलब मेरे को आता नहीं अभी व्लॉग करना इतना ज़्यादा, सो पार्डन मी अगर मैंने अच्छा नहीं किया है, बट धीरे धीरे करके हम सीख जाएंगे। मुझे पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो यू गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। आई लव यू गाइज, बाय।